श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। 18 पुराण में गरुड़ महापुराण का अपना ही एक विशेष महत्व है, तो आज हम गरुड़ पुराण में उल्लेखित 7 ऐसे नरकों की जानकारी बताने वाले हैं जिनको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और किन पापों की वजह से उन नरकों की प्राप्ति होती है आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। पहला नर्क जिसकी जानकारी हम आपको देने वाले हैं उसका नाम है महारौरव। दूसरों के घर, खेत खलियान या गोदाम आदि में जानबूझकर आग लगाने वाले को ऐसी जगह पर रखा जाता है। नरक में चारों ओर आग ही आग होती है, इस स्थान को महारौरव कहा जाता है। तो नरक जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं महाबिची। जो लोग गौहत्या करते हैं उन्हें ऐसे स्थान पर रखा जाता है जहां लोहे की नुकीली कांटे होती हैं और खून ही खून बिखरा होता है, इस स्थान को महाबिची कहा जाता है। कुंभीपाक, ब्राह्मण की हत्या करने वाला और दूसरों की जमीन हड़पने वालों को इस नरक में जगह मिलती है। नरक में गर्म बालू और अंगारों से भरी जमीन पर स्थान दिया जाता है, यह कुंभीपाक कहलाता है। मंजूष, निर्दोष को फंसाने वाला और बंदी बनाने वाले को जलते लोहे की धधकती जमीन पर सजा मिलती है, इस जगह को मंजूष कहा जाता है। महाप्रभ, जो लोग पति पत्नी में फूट डालते हैं उन्हें महाप्रभ नामक नरक में स्थान मिलता है, कहते हैं वहाँ बड़े बड़े नुकीले तार होते हैं। विलेपक, शराब का सेवन करने वाले ब्राह्मणों को ऐसी जगह पर जलाया जाता है जहाँ लाखों की संख्या में शोले जलते हैं, इस स्थान को विलेपक कहा जाता है। जयंती, पराई स्त्री के साथ संबंध रखने वालों को जयंती नामक नरक में रखा जाता है, इस स्थान पर लोहे की बड़ी चट्टानों के नीचे दबाकर सजा दी जाती है।